नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े कृषि जागरण की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं आज के टॉप हेडलाइंस की ओर। पीएफ के पैसों से खरीदी जमीन, फिर शुरू की खेती, अब हो रही लाखों में कमाई। किसान ड्रोन फाइनेंस के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दक्ष अनमेंट सिस्टम के साथ MOU किया साइन। अनाज की खेती छोड़, शुरू की सब्जियों की खेती, अब कमा रहे लाखों में मुनाफा। कहीं खाने को चारा नहीं तो कहीं ठंड से मर रही गायें, यूपी की गौशालाओं का रियलिटी चेक। पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र हैं तो भी नहीं मिलेगी किस्त। भारत में 3000 साल पुराना है कोदो मिलेट का नाता। कहीं गरीब का चावल तो कहीं अकाल का अनाज के नाम से है मशहूर। राशन में 1 किलो चावल कम देगी राज्य सरकार, सरकार को उठाना पड़ा बड़ा कदम। राजस्थान के करौली शहर में लोग खा रहे क्विंटल में खजूर, सर्दियों में सेहत के लिए है बेहद फायदेमंद। ब्रेडिशन टेक्निक से वैज्ञानिकों ने इजाद की 56 किस्में, दमदार क्वालिटी के साथ मिलेगी ज्यादा पैदावार। फसल बीमा के दावों को कम भुगतान पाने वाले किसानों को बड़ी राहत, अब 540 करोड़ का भुगतान करेगी सरकार। मंडियों में धान बेचने वाले किसान अब फ्री में खाएंगे खाना, सरकार ने शुरू की कैंटीन। बासमती चावल असली है या नकली, अब तुरंत होगी पहचान, फसाई ने तय किए नए मानक। महंगाई से पाकिस्तान बेहाल, 215 रुपए किलो में बिक रहा प्याज। PMGKAY की लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर, अब नाम से जानी जाएगी एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना। दिल्ली से यूपी तक रहेगा ठंडी हवाओं का पहरा। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। खेती में नई नई तकनीकें आने लगी हैं। इन नई तकनीक की मदद से किसान बढ़िया मुनाफा कमाने लगे हैं। जानकारी के अनुसार रायबरेली के एक किसान ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। कृषि विभाग के सेवानिवृत्त होने के बाद जग्गी प्रसाद सिंह ने अपने PF के पैसों से बंजर जमीन खरीदी और इस जमीन पर वे प्राकृतिक खेती की मदद से काफी मुनाफा भी कमा रहे हैं। जग्गी प्रसाद सिंह 10 बीघे के खेत में एक साथ सैकड़ों तरह की फसलों की खेती कर रहे हैं। वे संतरे और मौसमी की भी खेती करते हैं। इन दोनों फसलों की खेती से वे बंपर मुनाफा कमा रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने पशुपालन, मछली पालन के साथ साथ प्राकृतिक खेती से खेती करके एक नहीं बल्कि 50 से ज्यादा पुरस्कार भी हासिल कर लिए हैं। जोगी प्रसाद सिंह बताते हैं कि पहले साल में जब उन्होंने संतरे और मौसमी का 15-20 में लगाया था, तब उनकी लागत 5,000 से 7,000 आई थी। अब जब 3 साल पहले इन पेड़ों पर फल आए तो उन्हें इससे करीब 40,000 की आमदनी प्राप्त हुई। दूसरे साल में उनकी आमदनी बढ़कर 50,000 हो गई, तो वहीं इस साल उन्होंने 60,000 रुपए की कमाई हासिल की। चेन्नई स्थित दक्ष अनमेंट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कृषि रक्षा सर्विलांस रसद और सर्वेक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए तकनीकी रूप से उन्नत ड्रोन बनाती है। दक्ष का एग्रीगेटर ड्रोन एकमात्र सर्टिफाइड पेट्रोल इंजन आधारित हाइब्रिड ड्रोन है, जो कि बैटरी को बार बार चार्ज करने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाती है। दक्ष के निदेशक और CEO रामनाथन नारायण ने कहा कि दक्ष ड्रोन अपनी उन्नत तकनीक के साथ अपने ग्राहकों को बेजोड़ समर्थन के साथ विश्व स्तरीय UAV समाधान प्रदान करता है। दक्ष के CMO कन्नन एम ने कहा कि ये समझौता भारतीय किसानों द्वारा किसान ड्रोन अपनाने में तेजी प्रदान करेगा। इस MOU के तहत दक्ष के डीलर नेटवर्क देश भर के यूनियन बैंकों से संपर्क में रहेंगे। ड्रोन के द्वारा छिड़काव भारतीय किसानों के बीच अधिक लोकप्रिय है और ये MOU ग्राहक को दक्ष के पेट्रोल इंजन संचालित कृषि छिड़काव ड्रोन को खरीदने के लिए वित्त पोषण सुविधा का लाभ देने में भी मदद करेगा। सरकार पारंपरिक खेती के अलावा कैश क्रॉप जैसी खेती के लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं के जरिए प्रोत्साहित कर रही है और इसी कड़ी में अब हरियाणा की बागवानी विभाग की मदद से फरीदाबाद के रहने वाले किसान सूरज सिंह परंपरागत खेती छोड़कर अब विभिन्न प्रकार की सब्जियों जैसे कि गोभी, आलू, नींबू, पत्ता गोभी की खेती कर रहे हैं और लाखों की कमाई कर रहे हैं। सूरज सिंह बताते हैं कि बागवानी विभाग द्वारा उन्हें समय समय पर सब्जियों के बारे में तमाम जानकारी मिलती रही। बागवानी विभाग के लोग उनके घर आकर खेतों और सब्जियों के बारे में जानकारियां देते रहे और सरकार द्वारा भी शुरू की गई योजनाओं के बारे में जानकारियां देते रहे। सूरज पहले जब धान और गेहूं की खेती करते थे तो छमाही पैसा मिलता था। पहले उनकी बैसाख और बरसात के मौसम में ही कमाई होती थी, लेकिन सब्जियों की खेती से अब वे पूरे साल में कमाई कर रहे हैं। सब्जियों की खेती से उनके घर की आर्थिक समस्याएं भी सुलझने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ आवारा जानवरों की वजह से किसान काफी परेशान हैं और इस कड़कड़ाती ठंड से छुटकारा दिलाने के लिए जानवरों को अपनी फसल से बचाने के लिए दिन रात खेतों की रखवाली कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गौशालाओं का भी हाल बेहाल है। छुट्टा जानवरों को पकड़कर इन गौशालाओं में रखा तो जा रहा है, लेकिन इन गौशालाओं में गोवंश का हाल सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 33 अस्थायी गौशालाएं ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जबकि एक अस्थायी गौशालाएं सलोन के नगर ग्राम पंचायत में है। जिले में 5 रहत और गौ संरक्षण केंद्र भी हैं।
पूरे जिले में 18 कांजी हाउस ग्रामीण क्षेत्र में है। एक कांजी हाउस रायबरेली के शहरी क्षेत्र में स्थित है, जबकि कान्हा उपवन में 5 केंद्र बने हुए हैं और पूरे जिले में करीब जिले के 15,000 से ज्यादा संरक्षित गोवंशों की संख्या है और बीते 6 महीने में करीब 500 से ज्यादा गोवंशों की भी मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों के लिए एक बात स्पष्ट कर दी है कि यदि किसी कृषि डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वेरिफिकेशन और अन्य दस्तावेजों के अपडेशन के बावजूद भी ई-केवाईसी नहीं हुई है, तब भी किसान ये योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। उन्हें किसी भी सूरत में योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि ई-केवाईसी, आधार, अपडेशन, भूलेख वेरिफिकेशन होना बेहद जरूरी है। यदि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अपडेशन में कोई खामी रह गई है तो वो भी पूरी होनी चाहिए और इसके बाद किसान को 13वीं किस्त जरूर मिलेगी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में भी ऐसा ही फर्जीवाड़ा सामने आया है। उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग ऐसे किसानों से करीब 5 से 6 करोड़ रुपए की रिकवरी करेगा और इसी कड़ी में शासन स्तर से जिले के 2 लाख से अधिक किसानों का वेरिफिकेशन भी करवाया जा रहा है। वेरिफिकेशन में किसानों की फर्जी तरीके से किस्त लेने की पुष्टि की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार फर्रुखाबाद में 2,01,000 किसान भूले के आधार पर अपलोड किए गए हैं। साल 2023 पोषक अनाजों को समर्पित किया गया है और इस पर 72 देशों ने भी समर्थन दिया था और अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया को पोषक अनाज की भूमिका समझाने का। हालांकि एक्सपर्ट यह नहीं कहते कि आप गेहूं चावल को खाना बंद कर दीजिए, लेकिन बेहतर पोषण के लिए बाजरा, ज्वार, कंगनी, कोदो, कुटकी, रागी, चेना और सावन की कुछ मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करें। एक्सपर्ट बताते हैं कि मोटे अनाज पोषण के मामले में गेहूं और चावल से कहीं ज्यादा रिच देते हैं। इसके पीछे पानी भी अहम कारक है। दरअसल गेहूं और चावल को उगाने में जितना पानी खर्च होता है उससे आधे पानी में आप मिलेट का बंपर उत्पादन ले सकते हैं। खासतौर पर जिस जमीन में किसी फसल की खेती नहीं हो पाती वहाँ कोदो बारहमासी फसल के तौर पर उगाई जाती है। कई लोग इसे अकाल का अनाज भी कहते हैं तो कुछ लोग इसे गरीब का चावल कहते हैं। नाम चाहे जो भी हो, लेकिन आज कोदो ने शुगर फ्री चावल के तौर पर पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। केंद्र और राज्य सरकारें गरीब लोगों को राहत देने के लिए लगातार कदम उठा रही हैं। सभी पात्रों को हर महीने निर्धारित राशन दिया जाता है, लेकिन एक जगह राशन कार्ड धारकों को झटका लगा है। दरअसल राशन वितरण में कटौती की गई है। तेलंगाना सरकार ने राशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश सरकार ने अब से राशन कार्ड धारकों को फ्री में दिए जाने वाली चावल वितरण की मात्रा कुछ कम कर दी है। राज्य सरकार की ओर से दी जानकारी के अनुसार राशन कार्ड धारकों को अगले 3 महीने तक कम राशन दिया जाएगा और अगले 3 महीने लाभार्थियों को फ्री में मिलने वाले चावल में कटौती की जाएगी। लाभार्थियों को अभी तक 6 किलोग्राम चावल मिलता था, लेकिन अब राज्य सरकार 5 किलोग्राम चावल देगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राशन में 1 किलोग्राम चावल की कटौती की स्थायी नहीं है, ये बस 3 महीने के लिए ही रहेगी। अप्रैल से राशन कार्ड धारकों को फिर से 6 किलोग्राम चावल देना शुरू कर दिया जाएगा। किसी भी राशन कार्ड धारकों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। राजस्थान के करौली शहर में खजूर बहुत अधिक मात्रा में खाया जाता है। हर 3-2 क्विंटल से ज्यादा खजूर की खपत मार्केट में है। शहर के लोग अलग अलग मार्केट में ईरान, इराक, सऊदी अरब से खजूर बिकने के लिए आया है। इसके अलावा गुजरात से भी खजूर की खेप करौली पहुंच रही है। यहां के लोगों को खजूर खासा भा रहा है और इसी कारण खपत काफी बढ़ गई है। जानकारों का कहना है कि करौली के मार्केट में खजूर की इतनी आवक कभी नहीं रही। पहले बाजार में उतना खजूर नहीं मिल पाता था, लेकिन इस बार देश और विदेश के खजूर की कई वैरायटियां मार्केट में आ गई हैं और इस कारण लोग भी खजूर खरीदना अधिक पसंद कर रहे हैं। करौली के कारोबारियों का कहना है कि मार्केट में इस साल 100 से लेकर 300 रुपए तक का खजूर मौजूद है। सभी की अलग अलग डिमांड है। गुजराती खजूर 100 से लेकर 130 रुपए प्रति किलोग्राम तक, ईरानी खजूर 200 से 300 रुपए प्रति किलोग्राम तक और सऊदी अरब का खजूर 200 रुपए से लेकर 240 रुपए तक बिक रहा है। क्रॉप साइंस की मदद से फसलों का बेहतर उत्पादन करना आसान हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि खेती किसानी में न्यूक्लियर और रेडिएशन तकनीक का इस्तेमाल करके न सिर्फ फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है बल्कि उपज की गुणवत्ता में भी काफी सुधार लाया जा सकता है। इन तकनीक से उपज का भंडारण करने में भी काफी मदद मिलेगी। फिलहाल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने रेडिएशन तकनीक से अलग अलग फसलों की 56 वेराइटियां ईजाद की है जिनसे व्यावसायिक खेती की जा सकती है। ये अच्छी क्वालिटी की उपज और ज्यादा पैदावार लेने और साथ ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी। जानकारी के अनुसार नेशनल एसोसिएशन फॉर एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स एंड रेडिएशन इंडस्ट्री के सेक्रेटरी पीजे चांडी ने बताया कि किस जगह कौन सी किस्म की खेती करनी चाहिए इस बारे में जानकारी का अभाव होने से खेती का उत्पादन कम हो जाता है और बाकी कारणों से भी फसल में नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
राजस्थान के बाड़मेर में किसानों की शिकायतों का समाधान निकालते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। दरअसल कृषि मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में बाड़मेर जिले के पात्र किसानों को 311 करोड़ के बजाय 540 करोड़ रुपए की फसल बीमा दावों का क्लेम दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर केंद्र कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का संसदीय क्षेत्र है, जहां पिछले दिनों फसल बीमा के दावे का कम भुगतान मिलने के कारण किसान असंतोष देखने को मिल रहे थे। जानकारी के अनुसार किसानों को फसल में हुए नुकसान का भुगतान खरीफ 2021 से लंबित पड़ा है, जिसे अब कृषि मंत्रालय ने चुकाने का निर्देश दे दिया है। कृषि मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक के बाद कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि भविष्य में फसल बीमा के दावों का क्लेम भी मिलाकर राशि का एक मुश्त भुगतान सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इस मीटिंग में बाकी राज्यों को महाराष्ट्र की तरह न्यूनतम क्लेम नीति बनाने की भी सलाह दी गई है, जिससे कि किसानों को फसल में हुए नुकसान का सही भुगतान मिल सके। ओडिशा में पहली बार दूर दराज के गांवों से अपनी उपज लाने वालों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए धान खरीद केंद्रों के पास किसानों के लिए मुफ्त में कैंटीन खोली गई है। जिला प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि गजपति जिले में कैंटीन खोली गई है। इसके अलावा पल्ला खेमुंडी, काशीनगर, उपलाड़ा और गरबान में कम से कम 4 ऐसी कैंटीन शुरू की गई है। गजपति के जिलाधिकारी लिंगराज पांडा ने कहा कि पल्ला खेमुंडी विनियमित बाजार समिति द्वारा चलाई जा रही मुफ्त कैंटीन में क्षेत्रों के महिला एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार भोजन किसानों को परोसा जा रहा है। पांडा ने कहा कि हमने उन किसानों को मुफ्त दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन प्रणाली शुरू की है, जो अपनी उपज के साथ खरीद केंद्रों पर आते हैं और अपने भोजन के लिए घर नहीं लौट सकते। भोजन के अलावा किसानों को मुफ्त शीतल पेय और शुद्ध पानी भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही उनकी योजना जल्द ही कम से कम 10 से 15 कैंटीन खोले जाने की है। अब मिलावटखोर बासमती चावल में मिलावट नहीं कर पाएंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने बासमती चावल के व्यापार और व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार फसाई ने मिलावट रोकने के प्रयासों के तहत पहली बार बासमती चावल की पहचान के लिए व्यापक मानक जारी किए हैं। बासमती चावल में प्राकृतिक सुगंध गुण होना चाहिए और कोई कृत्रिम रंग, पॉलिश करने वाले तत्व और कृत्रिम सुगंध नहीं होने चाहिए। अधिसूचित किए गए ये मानक इस साल अगस्त से प्रभावी होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि देश में पहली बार फसाई ने बासमती चावल के लिए पहचान मानकों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की है। बासमती चावल में ब्राउन बासमती चावल, मिल्ड बासमती चावल, उष्ण भूरा बासमती चावल और मिल्ड उष्ण बासमती चावल शामिल है। फसाई ने इन मानकों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक प्रथम संशोधन विनियम 2023 के माध्यम से जारी किया है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच गई है। अब गरीब लोगों को पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। आटे के एक पैकेट के लिए पाकिस्तान की जनता आपस में मारपीट कर रही है। महंगाई का आलम यह है कि लोग सब्जी भी नहीं खरीद पा रहे हैं। दरअसल गेहूं, आटा, चीनी, चावल, हरी सब्जी और प्याज सहित खाने पीने की हर चीज महंगी हुई है। यहां तक कि सरकार के गोदाम भी खाली हो गए हैं। पाकिस्तान आर्थिक संकट के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी से जूझ रहा है। ऐसे में पड़ोसी मुल्क अपनी अतिरिक्त कमी को पूरा करने के लिए गेहूं के आटे के आयात के लिए संघर्ष कर रहा है। चिकन के दाम पिछले महीने 300 पाकिस्तानी रुपए से बढ़कर इस महीने करीब 700 रुपए हो गए हैं। पाकिस्तान में मौजूदा गेहूं के आटे का संकट मुख्य रूप से पंजाब और सिंध सरकारों के गलत अनुमानों से शुरू हुआ है। पाकिस्तान को अपनी तत्काल आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए 4 लाख बोरी गेहूं की जरूरत है और कर्ज में डूबा देश घाटे को पूरा करने के लिए रूस से गेहूं का आयात कर रहा है। केंद्र सरकार की एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम दिया गया है, जिसके तहत 1 जनवरी से 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। अप्रैल साल 2020 में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर शुरू की गई यह योजना पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गई और पिछले महीने सरकार ने PMGKAY को 2 मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं में शामिल करने का फैसला किया और इसके परिणाम स्वरूप नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हुई। खाद्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि नई योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए साथियों राज्यों में एक रूपता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता के अनुसार गरीब लाभार्थियों को साल 2023 के लिए PMGKAY के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। NFSA के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी के लिए प्रति व्यक्ति हर महीने खाद्यान्न की पात्रता 5 किलोग्राम है, जबकि अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार हर महीने है। दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो 14 से 20 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड, कोहरा और कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री पहुंच सकता है।
मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं घने से थोड़ा कम कोहरा भी देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। और आज एफटीपी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि भारत में कुल फसलों में से कितना प्रतिशत भाग अनाज उत्पादन का होता है, और आपके ऑप्शन है नंबर 1 40%, नंबर 2 50%, नंबर 3 70% और नंबर 4 90%। तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीते एफटीपी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और हीरोइना। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।